Hello everyone, welcome to Your Learn Maths Online classes. Today is 30th of July 2021. Today is Friday and this is for 5th standard. So students, हम लोग revision classes हम लोग का चल रहा है जिसमें कि हमने 4th chapter का revise कर लिया है 4th chapter को. So आज हम 5th chapter करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको HCF and LCM का revision करना है. Fine. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको थोड़ी जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगी. और पहला आपका जो टॉपिक है वो है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड द नंबर इट्सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक है, सपोज टू है, टू का एक तो प्राइम एक तो उसका फैक्टर वन होगा और दूसरा टू खुद होगा, और कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे कि टू इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, थ्री है, थ्री का वन होगा या थ्री होगा, टू हो नहीं सकता और थ्री के ऊपर कोई नंबर नहीं हो सकता. फाइन, इसी तरह से फाइव है, वन और फाइव, सेवन है, सेवन का वन और सेवन, सो ऑन, इलेवन, सेवनटीन, थर्टीन, नाइनटीन, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है. वन टू ट्वेंटी आप ले लीजिए. ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर दैट हैव थ्री और मोर फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. कोई भी नंबर जिसके दो या तीन से ज़्यादा अगर कॉम्पोजिट नंबर सॉरी फैक्टर्स हों तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. ठीक, सपोज फोर है, फोर का क्या क्या है? वन है, टू है और फोर है. ठीक, इसी तरह से सिक्स है, सिक्स का वन है, टू है, थ्री है, सिक्स खुद है, तो ये क्या है? इनको कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. ठीक, तो उसके बाद प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम आर कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, सपोज हमें 24 का 24 के फैक्टर्स लिखने हैं. 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व, 24, ये सब क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं, यानी थ्री, फोर, सिक्स, इन सब के टेबल में 24 आता है, तो ये सब क्या हैं? फैक्टर्स हैं. फाइन, तो प्राइम नंबर्स अब हम कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? इनमें से आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व, 24, इन सब के तीन से ज़्यादा आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे. फाइन, बट टू और थ्री का आपको वन और टू, सिर्फ टू का फैक्टर है, और वन और थ्री, थ्री का फैक्टर है. दैट मीन्स टू एंड थ्री आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो टू और थ्री जो है वो क्या है? 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं. फाइन, ओके, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, सपोज 24 का अगर हम फैक्टर देखें, 4 × 6 होता है, तो इसे हम अगर इनके अगर प्राइम फैक्टर्स निकालें, सपोज 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, एंड 4 × 6 = 24. दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है. हमें ऐसे लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए. फाइन, तो सपोज ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स के. फाइन, फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स, रिपीटेड डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड. ठीक है, अब रिपीटेड डिवीजन मेथड हम देख लेते हैं. सपोज हमें कैसे करना है? लेडर मेथड से करना है. सपोज हमें 36 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे इवन है तो ये इजीली 2 से हो सकता है. 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16. ठीक है, 2 × 9 = 18. अब फर्दर 2 से नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं बचा. फाइन, तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3. दैट मीन्स 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले? 2 × 2 × 3 × 3. ओके, तो ये क्या है?
36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये जो हमने मेथड यहाँ पे किया, इसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड। फाइन, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 22, 2 से करेंगे, 2 11 जा 22, 11 फर्दर किसी से नहीं हो सकता, सिर्फ 11 से होगा, तो हम 11 वन जा 11 करेंगे, तो 2 और 11 22 का क्या निकला, प्राइम फैक्टर निकला। 2 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, दैट मीन्स ये 22 के प्राइम फैक्टर्स निकले। फाइन, तो ये था आपका एक वे जिसमें कि आपने रिपीटेड डिवीजन मेथड से किया। अब हम दूसरा वे देख लेते हैं जिसमें कि आपको फैक्टर ट्री मेथड करना है। फाइन, तो फैक्टर ट्री मेथड हम कैसे करते हैं, 72 अगर हमें 72 का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइम नंबर लिखेंगे यानी प्राइम फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पे आप वो नंबर लिखेंगे जो फर्दर डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। 72 हम 2 से करेंगे, 2 इवन है, 2 थ्री ज़ा 6, 2 सिक्स ज़ा 12, 36 आया, ठीक है। इस 36 को फर्दर करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर लिखेंगे, यहाँ पे वो फर्दर नंबर लिखेंगे। फाइन, 2 टू वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद 18 फर्दर होगा, 2 इंटू 9, 9 अब 2 से नहीं हो सकता तो हम 3 के पास जाएंगे, 3 थ्री ज़ा 9, ये 3 फर्दर कर लेते हैं, 3 वन ज़ा 3, ओके। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये जो नंबर्स यहाँ पे हैं ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं 72 के। फाइन, तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री मेथड करते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। सपोज हमें 56 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इवन है तो हम 2 के पास जाएंगे, 2 इंटू 28, ओके, 28 को फर्दर कर लेते हैं, 2 इंटू 14, 14 को फर्दर कर लेते हैं, 2 इंटू 7, ये 7 आप फर्दर कर सकते हैं, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, या आप 7 ऐसे रखें तो ये भी प्राइम नंबर है तो ये फर्दर नहीं होगा, ओके। तो 56 के फैक्टर्स क्या क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ओके। तो ये था आपका फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड, ओके। सो इंशाल्लाह कल हम HCF करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अल्लाह हाफ़िज़।